सीएम योगी ममता बनर्जी और राहुल गांधी से लेकर कई बड़ी हस्तियों के ट्विटर अकाउंट से गायब हुआ ब्लू टिक। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने गुरुवार को सभी लेगेसी वेरिफाइड खातों से ब्लू टिक हटा दिया। अब ट्विटर पर दिखने वाले उपयोगकर्ता जिनके पास वेरिफाइड ब्लू चेकमार्क है, उन्होंने ट्विटर ब्लू सर्विस सब्सक्राइब किया है और इसके लिए भुगतान कर रहे हैं। इसकी लागत वेब यूजर्स के लिए $8 प्रति महीने और ISO और एंड्रॉइड पर इन ऐप यूजर के लिए $11 प्रति महीने है। ट्विटर के लेगेसी वेरिफाइड ब्लू टिक हटाने के फैसले के कारण सीएम योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे राजनेताओं ने अपने सत्यापित ब्लू टिक खो दिए हैं। वहीं बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट सहित कई बी टाउन हस्तियां, क्रिकेटरों में विराट कोहली और रोहित शर्मा समेत अन्य ने ब्लू टिक खो दिया है। अब तक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर नोटेबल कैटेगरी के अंतर्गत बिना किसी चार्ज के वेरिफाइड ब्लू चेकमार्क देता था। जिन हस्तियों के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक गायब हुआ है, उनमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शामिल है। ब्लू टिक खोने वालों में बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस समेत अन्य दलों के नेता शामिल है। इनके अलावा बॉलीवुड जगत की कई हस्तियां जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आलिया भट्ट और क्रिकेटर विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसी हस्तियों के वेरिफाइड अकाउंट से ब्लू टिक गायब हो गया है। बता दें कि एलन मस्क द्वारा ट्विटर का अधिग्रहण करने के बाद ट्विटर ब्लू या व्यवसाय केंद्रित ट्विटर वेरिफाइड ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। इसके तहत कोई भी बिजनेस एंटिटी या इंडिविजुअल निर्धारित शुल्क का भुगतान करने अपने ट्विटर हैंडल को वेरिफाइड करवा सकती या सकता है। इससे पहले की स्थिति में ब्लू टिक प्रसिद्ध व्यक्तियों को प्रतिरूपण से बचाने और झूठी सूचनाओं से निपटने के तरीके के रूप में कार्य करता था। इससे पहले मार्च में ट्विटर ने अपने आधिकारिक हैंडल से पोस्ट किया था, 1 अप्रैल को हम अपने लेगेसी वेरिफाइड प्रोग्राम को बंद करना शुरू करेंगे और लेगेसी वेरिफाइड चेकमार्क को हटाएंगे। ट्विटर पर अपना ब्लू चेकमार्क बनाए रखने के लिए लोग ट्विटर ब्लू के लिए साइन अप कर सकते हैं। ट्विटर ने पहली बार 2009 में ब्लू चेकमार्क सिस्टम की शुरुआत की थी। इसका मकसद उपयोगकर्ताओं को ये पहचानने में मदद मिल सके कि मशहूर हस्तियां, राजनेता, कंपनियां और ब्रांड, समाचार संगठन और सार्वजनिक हित के अन्य अकाउंट वास्तविक हैं और नकली या पैरोडी अकाउंट नहीं है। लेकिन नए नियम के तहत कोई भी ब्लू चेकमार्क पा सकता है, बस उसे ट्विटर ब्लू सर्विस सब्सक्राइब करके निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। इस तरह अब पैरोडी अकाउंट भी वेरिफाइड ब्लू चेकमार्क वाले हो गए हैं।